पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एवं दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग उठी। छत्तीसगढ़ के कई स्थानों में हाथरस गैंगरेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में आवाज उठाई जा रही है। आज कोरिया जिले के नगर चिरमिरी के हल्दीबाड़ी यातायात चौक में सेवा संस्था एवं जय भीम सेना के साथ सफाई कर्मचारी संघ भी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आज एकत्र हुए, जहां उन्होंने एक मिनट का मौन रखकर कैंडल जलाकर पीड़िता को श्रद्धांजलि देते हुए दोषी व्यक्तियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग संपूर्ण प्रदेशों की तरह आज हल्दीबाड़ी चिरमिरी में भी देखा गया, जहां गैंगरेप से शिकार हुई बेटी के लिए आज पूरा देश एक स्वर में मांग कर रहा है कि दोषियों की फांसी की सजा दी जाए, ताकि देश में बढ़ रहे बहु बेटी को न्याय मिल सके। आज पूरा देश पीड़िता की दर्दनाक मौत के दोषी की मौत की गुहार लगा रहे हैं। आपका नाम? शेख इस्माइल। आप हम संस्था से हैं क्या? क्या किस पद में हैं आप? मैं अध्यक्ष। ये जो श्रद्धांजलि दी जा रही है, किस वजह दी जा रही है, क्या वजह है, क्या घटना था, इस बारे में बताएंगे। 14 सितंबर को जो हाथरस में एक ग्रामीण क्षेत्र में एक लड़की की जो जघन्य अपराध किया गया, इसके विरोध में पूरे देश में जो आज माहौल बना हुआ है, और उसके बाद कल उस लड़की का हत्या हो जाता है, लड़की का गलत तरीके से उसको जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, उसके विरोध में पूरे देश में आज दुख है, उसकी श्रद्धांजलि दी। आपका नाम? सिर्फ वाल्मीकि समाज। आपका नाम? मेरा नाम बेरीसाल, एमसीसी डिपार्टमेंट अध्यक्ष। मैं इतना कहना चाहूँगी अपने संगठन के, ये जो महिला इकट्ठी है जी, क्यों इकट्ठी है ये? हमारी महिलाएं जो इसलिए इकट्ठित हुए हैं, जो बहन मनीषा के साथ हुआ वो आगे किसी बहनों के साथ ना हो, किसी बेटी के साथ ना हो, किसी माओ के साथ ना हो। आज जो अन्याय हमारे प्रशासन की कमजोरी की वजह से हुआ है, आगे ऐसा ना हो, इसलिए हम आज सब यहाँ न्याय मांगने बाहर आए रोड पे आए। और हम सिर्फ मनीषा बहन के लिए ही नहीं, अपने देश की सारी बेटियों के लिए न्याय चाहते हैं कि आइंदा से किसी बेटी अनसुरक्षित होकर रोड में नहीं, सुरक्षित होकर रोड पे चले।